तो वंस अगेन दोस्तों, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ट्रेड भी देखे पे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज मंडे है, नए सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है और 18th of November है आज। तो आज मेजर करेंसीज के क्या रोल हो सकते हैं, BTC क्या करेगा, फिर MCX में गोल्ड और सिल्वर क्या करेंगे और वर्ल्ड लेवल पर गोल्ड और सिल्वर क्या करेंगे, इन चीजों को बेहतर ढंग से समझने के लिए फ्रेंड इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड, ट्रेड भी देखे आपके लिए डेली एनालिसिस की वीडियो लेकर आता है और बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या ये वीडियो आपको सच में हेल्प कर पाती है। तो चलिए फ्रेंड, सीधा जंप करते हैं। आज 18th of November मंडे, मार्केट की एक्टिविटीज क्या कहती है। तो सबसे पहले मैं आपको forexfactory.com पे ले चलता हूँ फ्रेंड, और जैसा आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि forexfactory.com पे इकोनॉमिक कैलेंडर को अगर हम ओपन करते हैं फ्रेंड, तो आज मार्केट में जो हॉट न्यूज है वो है जापानीज येन में फ्रेंड। और ये न्यूज ऑलमोस्ट सुबह 6:35 AM पे हो चुकी है, जिसमें बैंक ऑफ जापान के गवर्नर ओडा जी की स्पीच थी। इसके अलावा मार्केट में आज कोई बड़ी खबर नहीं है। और अगर हम जापानीज यान में गवर्नर मिस्टर बीओजी के गवर्नर की स्पीच के बारे में अगर जाने, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है फ्रेंड कि बैंक ऑफ जापान गवर्नर ओडा जापानीज इकोनॉमी रिकवरिंग मॉनिटरली, यानी उन्होंने अपनी स्पीच में एक पॉजिटिव संकेत दिए हैं कि जापान की जो इकोनॉमी है वो लगातार एक रिकवरी कर रही है, बहुत अच्छी तरीके से कमबैक कर रही है फ्रेंड। और यही वजह है कि इनकी स्पीच की वजह से आज जापानीज येन आपको दिन भर स्ट्रॉन्ग नजर आ सकता है। इसके अलावा फ्रेंड, आज कोई बड़ी खबर नहीं है, इसीलिए अब मैं आपको सीधा डायरेक्ट एनालिसिस में ले चलता हूं कि आज मार्केट की एक्टिविटीज क्या होगी। मेरे अनुसार डॉलर इंडेक्स बुलिश रहा है और ये अपने बहुत सारे अपर लेवल्स के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो बहुत ज्यादा हाई पे आ चुका है। यहां से अभी भी डॉलर इंडेक्स का जो सिनेरियो है फ्रेंड वो बुलिश ही सिनेरियो है। लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं, नेक्स्ट 24 आवर्स की बात करते हैं, तो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि डॉलर 1 आवरली टाइम फ्रेम पे साइडवेज नजर आ रहा है। 4 आवर में अभी तक इसने कोई भी चेंज ऑफ कैरेक्टर डाउन ट्रेंड का नहीं बनाया फ्रेंड। जो मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड टारगेट लिख रहा हूँ, मेरा मानना है कि ये लेवल अगर ब्रेक करेगा तभी डॉलर इंडेक्स का डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। सो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, जिस ट्रेंड लाइन को मल्टीपल टाइम डॉलर ने सपोर्ट रेसिस्टेंस ले रखा है और इसके ऊपर LGA लेवल है, यानी कि लिक्विडिटी ग्रैब एरिया है। तो फर्स्ट हाफ जो होगा फ्रेंड आज डॉलर का, वो बुलिश होने की प्रोबेबिलिटी है, जिसमें ये लिक्विडिटी ग्रैब एरिया ऊपर BSL लेवल या इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है बियरिश, इस लेवल तक आपको बुलिश नजर आएगा। उसके बाद इसके सेलिंग में जाने के चांसेस बनते हैं। और दूसरी प्रोबेबिलिटी ये भी है फ्रेंड कि आज डॉलर इंडेक्स में बहुत स्ट्रेंथ नहीं है, तो ये साइडवेज रिश हो सकता है। और आज मेरा मानना फ्रेंड 106.39 का ये जो लेवल है या 106.33 का जो लेवल है, इस लेवल तक आपको डॉलर इंडेक्स आता हुआ दिख जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं कि यूरो यूएसडी में इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा। तो देखिए, यूरो को अगर हम डॉलर के साथ आज कंपेयर करते हैं तो फंडामेंटली यूरो यूएसडी जो है फ्रेंड वो बहुत ज्यादा बेयरिश है और इस वजह से इसका डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। और अगर आप myfxbook.com की सेंटिमेंट मीटर को देखें तो उसमें भी यूरो यूएसडी जो है फ्रेंड 86% से ज्यादा लोग उसे बाय कर रहे हैं। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं फ्रेंड कि इंस्टीट्यूशंस इसे बुलिश नहीं जाने देंगे और ये एक और रीजन है जिसकी वजह से यूरो यूएसडी में आपको सेलिंग की डायरेक्ट। तो इस वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन दे रखी है, मैंने यहाँ पे फिबोनाची के कुछ लेवल्स लगा रखे हैं, यहाँ पे पिवट लेवल्स भी आ रहे हैं फ्रेंड और 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप भी आ रहा है। तो मेरा मानना है फ्रेंड या तो यूरो यूएसडी डायरेक्टली आज बियरिश जाएगी और नीचे की तरफ 101.0495 इसका टारगेट है, और अगर ये फर्स्ट हाफ में थोड़ा भी बुलिश होती है तो ये बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हो पाएगी और ये पिवट लेवल या फिर फिबोनाची का लेवल या फेयर वैल्यू गैप यहां से भी एक सेलिंग की एंट्री बना सकती है और नीचे की तरफ
1.0495, ये आज इसका टारगेट होने वाला है फ्रेंड। इसके बाद अगर हम देखें कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड यूनाइटेड स्टेट डॉलर में क्या होगा फ्रेंड, तो जीबीपी यूएसडी, क्योंकि यूरो यूएसडी की पॉजिटिव रिलेशन वाली वाला पेयर है फ्रेंड, इस वजह से इसके अंदर भी आपको सेलिंग की प्रोबेबिलिटी ही नजर आएगी। बट कंपेरेटिवली यूरो से अगर हम जीबीपी को कंपेयर करें तो जीबीपी फंडामेंटली थोड़ा बहुत स्ट्रांग है, बट यूनाइटेड स्टेट डॉलर के साथ कंपेयर करें तो वो इस वक्त वीक है। तो मेरा मानना है फ्रेंड कि जीबीपी यूएसडी फर्स्ट हाफ में अगर सीधा बेयरिश जाती है तो नीचे जो लिक्विडिटी ग्रैब एरिया है 1.2595, ये इसका टारगेट होगा। इसके बाद अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है तो ये थोड़ा बहुत बुलिश करेक्शन कर सकती है। लेकिन अगर ये फर्स्ट हाफ में बुलिश होती है फ्रेंड, तो यहाँ पे बेयरिश फेयर वैल्यू गैप है, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है, और ग्रीन कलर की जो लाइन है वो ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री की लाइन है फ्रेंड, और वैसे भी मार्केट पिवट लेवल के नीचे है, इसका मतलब जीबीपी यूएसडी का डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। तो अगर मार्केट ने आपको मौका दिया तो एक अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी 1.2666 से चेंज ऑफ कैरेक्टर बनने के बाद हम इसमें सेल की एंट्री बनाएं, और नीचे की तरफ हमारा जो टारगेट है 1.2995 का, ये टारगेट आपको मिल सकता है। तो ओवरऑल जीबीपी यूएसडी मेरे हिसाब से फ्रेंड आज बियरिश मोमेंटम को ही कंटिन्यू करने वाली है। अब देखते हैं कि यूएसडी जेपीवाई में क्या होगा फ्रेंड। तो देखिए फंडामेंटली जापानीज यान आज स्ट्रांग है, मिस्टर ओडा जो कि बैंक ऑफ जापान के गवर्नर हैं, उनकी स्पीच के हिसाब से जापानीज यान जो है आज पॉजिटिव रहेगा, और यूनाइटेड स्टेट डॉलर के नेगेटिव होने के चांसेस पूरे पूरे बनते हैं। तो मेरा यहाँ पे मानना है फ्रेंड कि आज जो आपको यूएसडी जेपीवाई देखने को मिलेगा, फर्स्ट हाफ में ये थोड़ा बहुत बुलिश हो सकता है, और यहाँ पे देखिए ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री का जो लेवल है यहाँ से मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर देगा और ये डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। और इसमें दूसरी प्रोबेबिलिटी ये भी बनती है फ्रेंड कि अगर ये यहीं से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो नीचे पिवट लेवल है, पिवट लेवल से आपको एक पहले करेक्शन देगा और उसके बाद भी फिर ये बेयरिश मोमेंटम को कंटिन्यू कर पाएगा। तो वैसे देखा जाए फ्रेंड तो जीबीपी यूएसडी यूरो यूएसडी अगर बेयरिश है तो यूएसडी जेपीवाई को बुलिश होना चाहिए, और इसीलिए मेरा मानना है फ्रेंड कि फर्स्ट हाफ इसका डेफिनेटली बुलिश होने के चांसेस है, उसके बाद ये सेलिंग के टारगेट्स को भी ले सकता है। तो यूएसडी जेपीवाई का फर्स्ट हाफ बुलिश और सेकेंड हाफ बेयरिश हो सकता है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं फ्रेंड कि कल 19 नवंबर है, कल ट्यूसडे है फ्रेंड, कल हमारा फ्री लाइव सेशन होने वाला है, और अगर आप वीकली फ्री लाइव सेशन में नहीं आते हैं फ्रेंड, यानी कि एवरी ट्यूसडे और एवरी थर्सडे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से शाम को 7 PM to 8 PM हम हमारा जो एप्लीकेशन है फ्रेंड ट्रेड भी देखे, इस एप्लीकेशन से फ्री लाइव सेशन करते हैं जिसमें ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग कनेक्ट होते हैं, और मेरे साथ आप लाइव ट्रेडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। और इसके लिए फ्रेंड अगर आपने अभी तक ट्रेड भी देखे का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया होगा तो यहाँ पे देखिए एंड्रॉइड यूजर और एप्पल यूजर दोनों के लिए लिंक दे रखी है, आप इस लिंक पे जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले ताकि आप इस फ्री लाइव सेशन को अटेंड कर सकते हैं। और एक और बड़ी न्यूज है फ्रेंड, कल 19 नवंबर है, कल से हमारा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग का एक लेटेस्ट और न्यू मैजिकल बैच शुरू होने जा रहा है फ्रेंड, जिसके अंदर आपको 22 एंट्री के जोन सिखाए जाएंगे, और ये 22 डेज का जो लाइव सेशन होगा फ्रेंड ये कल रात 8 PM to 9 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से शुरू होने जा रहा है, और इसकी भी लिंक आपके यहाँ पर दे रखी है फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इस लिंक पे क्लिक करके और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं कि गोल्ड आज क्या कर सकता है। तो जैसा आपने मेरे सैटरडे को वीडियो को देखा होगा फ्रेंड, तो मैंने बताया था कि गोल्ड में अब थोड़ा बहुत बुलिश करेक्शन आपने को देखने को जरूर मिल जाएगा, और मैंने आपको उसमें सारे लेवल एक्सप्लेन किए थे। आज मार्केट ने ओपन होते ही फ्रेंड बुलिश मोमेंटम बनाना शुरू कर दिया है, और जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि प्राइस जो है वो बुलिश है, और मेरा मानना है 2595 से लेकर 2600 के बीच में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, तो उसके बाद अगर हम सेल की एंट्री बनाएं तो ये मोर प्रॉफिटेबल हो सकती है, और नीचे की तरफ 2560 का लेवल जो है फ्रेंड ये लेवल गोल्ड आज ले सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने एक्सपेक्टेड चेंज ऑफ कैरेक्टर का है, यानी कि 2619 का लेवल अगर 1 आवर कैंडल ब्रेक कर देती है फ्रेंड, मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड कि आज 20% चांसेस हैं कि गोल्ड यहां से ऊपर जाएगा, आज 80% चांसेस हैं कि गोल्ड 2620 के नीचे ही रहेगा, और यहां से इसमें सेलिंग प्रेशर आपको कंटिन्यू देखने को मिल सकता है।
अब हम चलते हैं फ्रेंड कि सिल्वर में क्या हो सकता है। तो देखिए मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि सिल्वर जो है फ्रेंड इस वक्त बेयरिश करेक्शन में ही रहेगा और यहाँ पे ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री है, बाय साइड लिक्विडिटी का जोन है, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है। फर्स्ट हाफ में ये आपको थोड़ा बहुत बुलिश करेक्शन मिल जाएगा, सेकेंड हाफ में ये बेयरिश हो सकता है। अगर सिल्वर फर्स्ट हाफ में बेयरिश रहा फ्रेंड तो यहाँ पे पिवट लेवल है 30.488 से एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है, और अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो टारगेट 30.835 का हो सकता है। बट अगर मार्केट यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर देगा फ्रेंड तो 30.835 से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जिसमें फर्स्ट टारगेट 30.492 का हो सकता है, और इसके बाद इक्वल लो का जो लेवल है फ्रेंड यहाँ पे लिक्विड कलेक्शन करने के लिए सिल्वर जा सकता है, जिसमें 30.180 का जो टारगेट है ये भी एक एक्सपेक्टेड सेलिंग का टारगेट आप इसमें ले सकते हैं। तो ओवरऑल सिल्वर का सिनेरियो आज सेलिंग का ही रहेगा फ्रेंड, बट फर्स्ट हाफ माइट बी ये बुलिश हो सकता है। अब मैं आपको ले चलता हूं कि बीटीसी यूएसडी में क्या होने वाला है फ्रेंड। तो जैसे आप देख रहे हैं कि बीटीसी बहुत ज्यादा एग्रेशन में है, 90,000 के लेवल पे है, ये 90,000 के लेवल पे फ्रेंड, और उसके बाद मार्केट एक साइडवेज हो गया। अब इसको $1 लाख पे ले जाने के लिए फ्रेंड एक बड़ी न्यूज की जरूरत पड़ेगी, और आज मंडे को बीटीसी आपको साइडवेज ही जनरली देखने को मिल जाएगा फ्रेंड। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री है। इस लेवल से अगर मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर का बना दिया फ्रेंड तो नीचे की तरफ इसका टारगेट रहेगा 88,705 का, और यहां से आपको एक बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसमें फर्स्ट टारगेट आपका 90,907 और सेकेंड टारगेट 91,890 का लेवल मिल जाएगा, अगर बीटीसी यहां से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देता है तो। और अगर नहीं देता है फ्रेंड तो ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री एंड ऑर्डर ब्लॉक ये लेवल अगर ब्रेक हो जाते हैं तो ऊपर लिक्विडिटी ग्रैब एरिया है, इस ग्रैब एरिया से एक छोटा करेक्शन करेगा और बीटीसी आज आपको फिर से अपने प्रीवियस हाई के लेवल को ब्रेक करता हुआ मिल जाएगा। बट ओवरऑल सिनेरियो इसका आज साइडवेज का ही रहेगा फ्रेंड। अब हम देखते हैं कि यूएस ऑयल में क्या होने वाला है। तो यूएस ऑयल आज बहुत ज्यादा सेलिंग में रहेगा फ्रेंड, बहुत ज्यादा बेयरिश एग्रेशन है इसके अंदर, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस वक्त यूएस ऑयल ने लिक्विड को ग्रैब कर लिया है नीचे से जो सेल साइड की लिक्विडिटी थी फ्रेंड, उसके बावजूद इसके अंदर सेलिंग का प्रेशर है। तो मेरा मानना है फ्रेंड यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट लेवल है, ऑप्टिमल ट्रेडिंग सॉरी लिक्विडिटी ग्रैब एरिया है, और पिवेट का सपोर्ट 3 का जोन है। तो फर्स्ट टारगेट जो है वो क्रूड ऑयल का, वो ये S3 का जोन है जो 66.08 तक है फ्रेंड, और अगर ये जोन भी ब्रेक होता है तो नीचे 65.28 का जो लेवल है ये इसका सेलिंग का सेकेंड टारगेट है। समहाउ अगर थोड़ा बहुत भी ये बुलिश करेक्शन करता है फ्रेंड तो ऊपर बेयरिश फेयर वैल्यू गैप्स है, इन लेवल्स पे भी आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाएगा, और अगर यहाँ से सेलिंग का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो भी आप इसको फर्स्ट टारगेट 66.10 पे और सेकेंड टारगेट 65.28 पर आप इसमें भी ले सकते हैं। गोल्ड फ्यूचर्स में फ्रेंड जैसा अभी हमने गोल्ड इंटरनेशनल, वैसे ही गोल्ड फ्यूचर्स आज गैप अप के साथ ओपनिंग करेगा। यू कैन सी इट हियर, गोल्ड क्या यहाँ से बुलिश होगा फ्रेंड। तो यहाँ पे एक ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री एंड पीवेट का सपोर्ट 2 लेवल प्लस यहाँ पे बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये वो जोन है जहां तक गोल्ड आपको बुलिश बनता हुआ नजर आएगा, और इसके बाद अगर इस लेवल पे कोई भी चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है फ्रेंड यानी कि 74,900 से लेकर 75,150 इसके बीच में अगर हमें कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा तो फिर ये अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, और ऐसे में 73,746 और 73,277 का लेवल सेलिंग साइड में मिल जाएगा फ्रेंड। बट जैसे मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेड टारगेट लिखा है फ्रेंड, अगर ये लेवल गोल्ड ने टच कर दिया फ्यूचर्स में तो फिर ये यहाँ पे छोटा सा बेयरिश करेक्शन करके ये अपने अप ट्रेंड के डायरेक्शन को भी कंटिन्यू कर सकता है। तो हमें यहाँ पे फ्रेंड जोन जो है ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से बाइंग या सेलिंग के बारे में मोर क्लैरिटी हमें मिल जाएगी। अब हम चलते हैं कि सिल्वर के फ्यूचर्स में क्या होने वाला है फ्रेंड। तो गोल्ड की तरह ही सिल्वर ने एक गैप अप ओपनिंग की है, और इसकी जो गैप अप ओपनिंग है फ्रेंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वो सपोर्ट 1 के ऊपर जाकर गैप अप की ओपनिंग हुई है। इसका मतलब है बुलिश एग्रेशन सिल्वर में भी देखा जा सकता है, बट बहुत ज्यादा बुलिश होने के चांसेस कम रहेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री, एक्सपेक्टेड चेंज ऑफ कैरेक्टर, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, ये तमाम जोन है फ्रेंड। तो यह जोन से अगर कोई सेलिंग के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो फिर ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड का रहेगा, लेकिन अगर इसने एक्सपेक्टेड चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर 1 आवर की कैंडल क्लोज कर दी फ्रेंड तो फिर ऊपर की तरफ 92,576 का लेवल भी देखा जा सकता है। तो
तो मेरा मानना है फ्रेंड कि गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा सा आज अनसर्टेनिटी का माहौल रहेगा, माइट बी मार्केट साइडवेज भी हो सकता है। तो मैंने आपको जो जोन बताए हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर के, यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने आप फोकस को रखना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी या फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। तो मैं आपको याद दिला दूं फ्रेंड कि कल 19 नवंबर इवनिंग में 8 PM to 9 PM SMCICT की इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग की एक अनोखी और मैजिकल बैच शुरू होने जा रही है। अगर आपने अभी तक इसकी इंफॉर्मेशन नहीं ली है फ्रेंड, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, रजिस्टर करें, हमारे लोग आपको कॉल करके इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन देंगे।